प्यारे बच्चों कैसे हो आप। तो प्यारे बच्चों आज मैं आपकी आरबीएसई क्लास फोर्थ की इंग्लिश की 11th वर्कशीट पर एक वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले बच्चों मैंने क्लास फोर्थ के इंग्लिश के 10 वर्कशीट्स अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं वर्कशीट 11। सबसे पहले बच्चों यहाँ आपको नेम ऑफ स्टूडेंट लिखना है, यानी कि अपना नाम लिखना है। यहाँ आपको वो डेट लिखना है जिस डेट को आप ये वर्कशीट सॉल्व कर रहे हैं। तो इस वर्कशीट से आपको लर्निंग एरिया मिलेगा रीडिंग एंड राइटिंग, और यहाँ पर लर्नर अपने बारे में कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन लिख सकेगा। सबसे पहले आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है। देखिए यहाँ पे आई एम गोपाल, मेरा नाम गोपाल है। आई एम 8 ईयर ओल्ड, मैं 8 साल का हूं, या मेरी उम्र 8 साल है। मिस्टर रामलाल इज माई फादर, मेरे पिताजी का नाम मिस्टर रामलाल है। मिसेज सीता इज माई मदर, मिसेज सीता मेरी माता है। आई गो टू गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांगानेर, मैं गवर्नमेंट राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांगानेर राजस्थान में पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर इसी तरीके से आपको अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है। बच्चों मुझे तो आपकी इंफॉर्मेशन पता नहीं है, मैं यहाँ पर कुछ काल्पनिक इंफॉर्मेशन डाल देता हूँ। जैसे माई नेम इज भरत, मेरा नाम भरत है। मेरी एज 9 ईयर्स है, माई एज इज 9 ईयर्स। ओके, माई फादर्स नेम इज मिस्टर सी अरोड़ा, माई मदर्स नेम इज मिसेज प्रीति अरोड़ा, माई स्कूल नेम इज एनएस इंटरनेशनल स्कूल। अब आपको यहाँ पे जो अंडरलाइन शब्द गोपाल के थे वहां चेंज करके आपको अपने लिखने हैं। जैसे कि पहला आप लिखेंगे आई एम, पहला लाइन आप लिखेंगे आई एम भरत, मेरा नाम क्या है भरत है। तो अब यहाँ पे बच्चों आपको ऊपर जो दिया गया है ना उसी अकॉर्डिंगली चेंज करके यहाँ इंफॉर्मेशन लिखनी है। आई एम भरत। नेक्स्ट है, अब देखिए नेक्स्ट हमारी लाइन है आई एम 8 ईयर ओल्ड, आई एम 9 ईयर्स ओल्ड, मेरी उम्र 9 साल है। नेक्स्ट है मिस्टर, यहां लिखा हुआ मिस्टर रामलाल इज माई फादर, यहां हम चेंज करेंगे मिस्टर सी एल अरोड़ा इज माई फादर, मिस्टर सी एल अरोड़ा इज माई फादर। हो गया बच्चों। अब यहां पे लिखना है मम्मी का नाम लिखना है, यहां इसने लिखा है मिसेस सीता इज माई मदर, यहां आप लिखेंगे मिसेस प्रीति अरोड़ा, प्रीति अरोड़ा इज माई मदर। नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों आई गो टू, यहां लिखेंगे हम आई गो टू एनएस इंटरनेशनल स्कूल। तो इस तरह से बच्चों जो वर्कशीट पूरी हो जाएगी और हम अपने नेक्स्ट वर्कशीट करेंगे। आई गो ठीक है बच्चों। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज
वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव ए गुड डे।